गुड मॉर्निंग बेटा। सो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट थ्री कर्नाटक वॉर्स, आंग्ल मराठा वॉर्स एंड सब्सिडियरी अलायंस विच इज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेसली। एंड दिस इज अवर लेक्चर फिफ्थ ऑफ चैप्टर फर्स्ट। इफ यू स्टिल डोंट वॉच डिडंट वॉच द लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सो फर्स्ट यू शुड टू वॉच फोर्थ लेक्चर then come to that one. So in that particular lecture we will talk about the Lord Dalhousie doctrine of lapse. Lapse policy beta lapse hota hai, lapse aapne dekha hoga, ek dusre ke upar lapse kar jana, doctrine of lapse policy yahi hai. Lord Dalhousie follow the policy of doctrine of lapse and enjoying the Indian state under the company rules. Unka pehla motive kya tha beta, company rules ke andar jo policies jo Indian state hai unko lena hai. He went the age old tradition adoptation of hair by Indian kings. मतलब बेटा adoptation की policy को बंद कर दिया था। जैसे मान लो example के लिए हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये था कि उनके बच्चा नहीं था, लेकिन अगर वो उस एक बच्चा गोद लेती हैं, adopt करती हैं, उसको ruler बनाना चाहती हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते। उसमें क्या होता था, ब्रिटिशर उस टेरिटरी पर, उस किंगडम पर हमला करते थे और अपने अंदर शामिल कर लेते थे, अपने अंदर ओकुपाई कर लेते थे। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जहाँ राजा के पास बच्चा नहीं था उसको दूसरा बच्चा एडोप्ट करने की इजाज़त नहीं थी, उसको ही लेप्स पॉलिसी खोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन द रूलर डाई विदाउट नेचुरल हेयर, हेयर मतलब उसका जो सक्सीडर हुए, हिज स्टेट वाज एनेक्साइड बाय टू ब्रिटिश डोमिनेंट। मैनी ऑफ स्टेट इंक्लूडेड झांसी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नागपुर, सतारा वर एनजाइडेड अंडर द डॉक्ट्रिन इन 1856 बेटा, ठीक है बेटा। नवद नवाब ओ अवध वॉज अक्यूज टू मिस गवर्निंग स्टेट एंड दस इट वॉज एनजाइड टू ब्रिटिश रूल। ये आपका लॉन्ग फोर्थ का आंसर है बेटा, आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद करना चाहिए, ठीक है। यू हैव इसको आपको नोट्स में भी मिल जाएगा ये, और ये आप मेमोराइज करें इसको, ठीक है। देन कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस सिंपल है बेटा। द रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश आर्मी वॉज देयर लाइट एंड स्मॉल आर्म्स एंड ट्रेंड फोर्स। द इंग्लैंड ऑल्सो हैड कैनन्स विच हेल्प अलोट इन देयर सक्सेस। पोलिटिकल एनार्चीज डिसइंटीग्रेशन एंड द वीक सेंटर वर फ्यू कॉज इन इंडिया इन 19th सेंचुरी दैट मेड ब्रिटिश कंपनी टू कैपिटलाइज ऑन मच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मराठा अनसर्टेनिटी पोलिटिकल सैनरियो बट दे फेल्ड टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू देयर इंटरनल हॉस्टिलिटीज। द कोज ऑफ सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश वॉज नॉट देयर एबिलिटी ओनली बट इट वॉज ड्यू टू पोलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स। पोलिटिकल वीकनेस हम देखें तो बेटा उस समय जो रूलर्स थे वो छोटे 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 रीजन्स में बटे हुए थे, वो भी एक तरीके से बॉन्डिंग नहीं था, इंटरनल बॉन्डिंग। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए सिंधिया एंड झांसी की रानी, दे हैव सेपरेट डोमिनेंट स्टेट। इफ़ दे विल अगर वो दोनों साथ में होते तो क्या अंग्रेज उनसे लड़ पाते, ब्रिटिश उनसे लड़ पाते? नहीं लड़ पाते बेटा। तो ये एक हमारे पास कमियाँ थी हमारी, जो जिनकी वजह से ब्रिटिशर सक्सेस हुए। वी डोंट हैव प्रॉपर ट्रेन फोर्सेस, वी डोंट हैव प्रॉपर टेक्निकल वेपन्स, सो वी बिलोस एंड ब्रिटिश गेट सक्सेस। यहाँ बेटा आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। चूज़ द करेक्ट हु साइन द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद बेटा, सुजादुद्दौला, ठीक है। कौन बेटा? सुजादुद्दौला। विच वॉज द फॉलोइंग ट्रेडिंग कंपनी डू नॉट कम इंडिया, अमेरिकन, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगालीज आए, हम लोगों ने मैप में देखा था। वेयर वॉज द डच फैक्ट्री इन इंडिया, द पुलिकट में बेटा, ये भी हमने देखा था बेटा, ठीक है। वेयर वॉज द थॉमस रो सेंट टू, ये कहाँ पे आए थे बेटा? इंडिया में आए थे, ठीक है। हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर ड्यूरिंग फर्स्ट टू कर्नाटक वॉर, डिप्ले, ये हमने बताया बेटा, डुप्ले, डुप्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डुप्ले, ठीक है। सिमिलरली फिलिंग इन द ब्लैंक्स,
द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेड टू कम इन इंडिया इज पुर्तगालीज, हमने बताया था बेटा सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगालीज आए थे, ठीक है, और हमने मैप में भी देखा था पुर्तगालीज कहाँ से हैं, ठीक है। वास्को डी गामा वॉज द यूरोपियन टू कम इन इंडिया 1948, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। पुर्तगालीज हेड कंट्रोल ऑन गोवा दमनदीप, मैंने बताया था कि बेटा आपको गोवा में अभी भी पुर्तगालीज मिल जाएंगे आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी बेटा, 1600 में आई थी। सुजादुद्दौला वॉज द नवाब बंगाल ड्यूरिंग द प्लासी, ये भी इंपॉर्टेंट बेटा, 1757 हमने देखा था प्लासी का बैटल, ठीक है। बैन अबध, अबध एंड हैदराबाद वर वोट कंपनी कंट्रोल लॉर्ड बेलेजरी सब्सिडरी अलायंस, हमने देखा था सब्सिडरी अलायंस में बेटा कौन कौन था बेटा, अबध वगैरह आ गए थे उसके सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा, लॉर्ड डलहौजी फॉलो द पॉलिसी ऑफ लैप्स, डॉक्टर एंड ऑफ लैप्स, जिसमें बच्चा नहीं होगा तो आपका किंगडम उनके पास चला जाएगा ब्रिटिश के बाद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट सक्सेस इन कर्नाटक बार, ठीक है ना, हमने देखा था फ्रांस और ब्रिटिश का लड़ाई होता है और ब्रिटिशर बेटा उसमें जीत जाते हैं और हमारे पास 1947 तक वो रुकते भी इंडिया में, और फ्रांस क्या होता है लूज़ कर जाता है इंडोनेशिया में, ये लोग फिर चले जाते हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर, आप मैं PDF भेज दूंगा तो उसमें से आप अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएं और मेमोराइज करें क्वेश्चन आंसर, ठीक है बेटा। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।